हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने किसी भी रियलमी मोबाइल में ऐप को हाइड कैसे कर सकते हो। अगर आप ऐप को हाइड कर देते हो, वो ऐप आपके मोबाइल में नहीं दिखेगा, और अगर आप चाहो तो आप उस ऐप का यूज कर सकते हो। तो कैसे करना होगा, चलिए इस वीडियो में बता देता हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग अपने रियलमी मोबाइल में सेटिंग्स को ओपन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे ये है सेटिंग्स, मैं यहाँ पे सेटिंग को ओपन करता हूँ, राइट। तो सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिक्योरिटी का। तो ये है सिक्योरिटी का ऑप्शन, तो आप लोग यहाँ पे सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप इनक्रिप्शन का। ओके, तो ये है ऐप इनक्रिप्शन, मैं इस पर टच करता हूँ, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे बोलेगा कि सबसे पहले आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप नीचे सेट पासवर्ड पे टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ पे आप लोग कोई सा भी एक पासवर्ड पिन बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं 666 पिन बना लेता हूँ, मैंने डाला। और उसके बाद में आप यूज पे क्लिक करेंगे, फिर उसी पिन को आपको दोबारा री एंटर करना डालना है। और उसके बाद में आपको अपना नेम वगैरह कुछ भी यहाँ पे लिख देना है। ओके, तो नेम अपना डाल दिया। उसके बाद में मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। साइड में डन का ऑप्शन मिलेगा, आप डन पे क्लिक कर दीजिएगा। आपके फोन में जितने भी एप्लीकेशन होंगे सभी आ जाएंगे। आप चाहो तो आप इन पे लॉक लगा सकते हो, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोग अपने फोन में रियलमी मोबाइल में एप्लीकेशन को कैसे हाइड करोगे, राइट। देखो, आप लोग जिस भी ऐप को हाइड करना चाहते हो उस पर टच करोगे। तो मैं आपको दिखाने के लिए व्हाट्सएप को हाइड करने वाला हूँ। तो मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप लोग नीचे यहाँ पे इनेबल इनक्रिप्शन वन पे टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ पे ढूंढना है, आपको व्हाट्सएप मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये व्हाट्सएप मेरे को मिल गया। तो उसके बाद में यहाँ पे आप लोग जिस भी ऐप को हाइड करना चाहते हो, जिस पर आपने अभी लॉक सेट करा होगा, उसको ढूंढेंगे। तो मैंने व्हाट्सएप पे लगाया था, मैं व्हाट्सएप को हाइड करने वाला हूँ। तो ये व्हाट्सएप मिल गया, मैं व्हाट्सएप पे टच करता हूँ। टच करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, हाइड होम स्क्रीन आइकन, आपको इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद अभी देखोगे कि आपके फोन से व्हाट्सएप हाइड हो चुका है। ओके, तो अभी यहाँ पे वो ऑन हो चुका है और हमारे फोन से जो व्हाट्सएप था वो हाइड हो चुका है। ओके, तो आपको सिंपल यहाँ से बैक आना है। ऐसे करके आप लोग जिस किसी जिन जिन ऐप को हाइड करना चाहते हो ऑन कर दीजिएगा, वो हाइड हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको एक छोटा सा सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप लोग चेंज एक्सेस नंबर पे क्लिक करेंगे, आप लोग यहाँ पे एक एक्सेस पिन बना लेंगे, जिससे कि आप लोग हाइड ऐप को यूज करोगे। तो एग्जांपल पे दिया गया है, जैसे हैच 40 हैच है ना, तो मैं इस प्रकार से आपको एक पिन बना लेना है। जैसे कि मैंने हाइड डाला 1 2 3 4 और दोबारा से हैच डाल दिया, और उसके बाद में मैं डन पे क्लिक कर दिया, राइट। ओके, और यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके, पिन बना लेना, अब आपको सिंपल बैग चले आना है। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे फोन में व्हाट्सएप है या नहीं। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे होम स्क्रीन पर कहीं पर भी हमारे फोन में व्हाट्सएप नहीं दिख रहा है, बिकॉज हमने उसको हाइड कर दिया हूँ। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग इसका यूज कैसे करोगे। तो जब भी आपने किसी भी एप्लीकेशन को हाइड करा होगा, उसको यूज करना हो, तो आप सिंपल डायल पैड को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपने जो भी कोड सेट करा था उसको डाल देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे हैच 1 2 3 4 हैच डाला था, मैं हैच जैसे ही दबाऊंगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो व्हाट्सएप आ चुका है, राइट। तो यहाँ पे व्हाट्सएप आ चुका है, मैं व्हाट्सएप पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे ये व्हाट्सएप ओपन हो चुका है और यहाँ पे मैं आसानी से यहाँ पे व्हाट्सएप का यूज कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अब आपको जब भी आपने जिस भी ऐप को हाइड करा है, जब भी आपको उसको यूज करना होगा, तो आप सिंपल डायल पैड को ओपन करना, अपना वही एक्सेस पिन डाल देना, सीक्रेट कोड, और जितने भी आप एप्लीकेशन को हाइड करोगे सभी यहाँ पे आ जाएंगे और आप उस पर टच करिएगा, उसका आप यूज करिएगा, राइट। तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग अपने किसी भी रियलमी मोबाइल में ऐप को हाइड कर सकते हो, है ना। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोग अनहाइड करना चाहो तो कैसे करोगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल वही प्रोसेस है, सेटिंग में आएंगे और यहाँ पे सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आएंगे, और उसके बाद में यहाँ पे ऐप इनक्रिप्शन पे टच करेंगे, अपना पिन डालेंगे, और जहाँ आपने जिस भी ऐप को हाइड करा है उसे वापस से अनहाइड करना चाहते हो उस पर टच करेंगे, और ये हाइड वाला जो ऑप्शन है इसको बंद कर देंगे। अगर लॉक हटाना चाहते हो तो इसको भी बंद कर दीजिएगा, जैसे कि मैंने हाइड को बंद कर दिया। अभी मैं बैक आऊंगा तो व्हाट्सएप आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि अब व्हाट्सएप आ चुका है, राइट। तो मैं इसको हाइड ही करना चाहता हूँ, तो मैं ऑन ही इसको कर देता हूँ। ओके, तो मैं ऐप इनक्रिप्शन पे क्लिक करके और पिन डाल के और यहाँ पे व्हाट्सएप को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे हाइड हो चुका है।
ओके, कहीं पर भी व्हाट्सएप हमारे फोन में नहीं है, अब मैं वही सीक्रेट कोड डाल के उसका यूज कर सकता हूँ। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग अपने किसी भी रियलमी मोबाइल में ऐप को हाइड कर सकते हो और उसका आसानी से सीक्रेट कोड के जरिए यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग अपने रियलमी मोबाइल में ऐप को हाइड कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आओ चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मैं आपसे मिलूंगा ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।